नमस्कार, मैं श्रुति झा। आज है 9 जनवरी, आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले छात्रों के साथ बेहतर साठगांठ बनाने की कोशिश में जुट गए हैं, जिसके तहत अब भाजपा ने 20 जनवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में स्कूली छात्रों के साथ मिलकर परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित करवाने की पहल की है। इतना ही नहीं, तो प्रधानमंत्री मोदी छात्रों को इस दौरान परीक्षा के कुछ जरूरी टिप्स एवं ट्रिक्स भी देंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम में बिहार के 70 छात्रों को भी सम्मिलित होने का सुनहरा अवसर प्रदान हुआ है, जिसके लिए यहां के सभी छात्र 18 जनवरी को बिहार पहुंचेंगे। पटना स्मार्ट सिटी बोर्ड परियोजना के पुनर्समीक्षा का मिला आदेश। उक्त आदेश उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दिया है। इतना ही नहीं, सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में नमामि गंगे और पटना स्मार्ट सिटी के तहत पटना में चल रही योजनाओं का संज्ञान नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा, सचिव आनंद किशोर और बुडको के दूसरे अधिकारियों से लिया है। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पटना स्मार्ट सिटी बोर्ड द्वारा शुरू की गई योजनाओं का पुनर्समीक्षा करने और नमामि गंगे के तहत तेजी से घरों में सीवरेज नेटवर्क से जोड़ने का काम 30 जनवरी तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया है। मकर संक्रांति पर नदियों में नहीं दिखेगी नाव। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर बिहार सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, जिसके तहत सरकार ने प्रशासन को संक्रांति के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद रखने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, जिलाधिकारी कुमार रवि ने मकर संक्रांति के अवसर पर राजधानी पटना में सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी, जिसके परिणाम स्वरूप बैठक में संक्रांति के दिन नाव के परिचालन को बंद रखने के बाद पर मुहर लगाई गई, यानी कि अब मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी में नाव घूमते नजर नहीं आएंगे। बिहार के इस शिल्पकार को जल्द ही मिलेगा पुरस्कार। बिहार के सभी शिल्पकारों के लिए खुशखबरी। हाल ही में उद्योग मंत्री श्याम रजक ने बिहार के सभी शिल्पकारों को पुरस्कृत करने का ऐलान किया है, जिसके तहत अब सरकार ने शिल्पकारों को पुरस्कार के रूप में 22,000 के बदले 50,000 देने का ऐलान किया है। शिल्पकारों के शिल्प कलाओं का दीदार पूरे देश में करवाने के लिए इसे जल्द ही ऑनलाइन मार्केट से जोड़ने का भी ऐलान किया गया है। इतना ही नहीं, उद्योग मंत्री श्याम रजक के अनुसार जल्द ही शिल्प कलाओं को बढ़ावा देने के लिए पटना एयरपोर्ट पर आए यात्रियों के लिए शिल्प कलाकृति बिक्री केंद्र खोलने का भी ऐलान किया गया है। घंटाघर अब खुलेगा आम लोगों के लिए भी। बिहार सरकार ने सभी आम नागरिकों को राजनीतिक गतिविधियों से रूबरू करवाने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत अब बिहार में राजनीतिक खेमे को आम जनता के लिए भी खोला जाएगा, जहां पर अब आम जनता सरकार को उठने बैठने की जगह को देख सकती है। इतना ही नहीं, कैबिनेट मीटिंग होने वाली जगह का दीदार भी अब आम नागरिक कर सकते हैं। बिहार सरकार ने इसके लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, यहां तक कि सचिवालय को रंगीन बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। सीके नायडू अंडर 23 में बिहार को मिली हार। राजधानी पटना के ऊर्जा स्टेडियम में आयोजित सीके नायडू अंडर 23 क्रिकेट टूर्नामेंट में बुधवार को मणिपुर ने बिहार को उनके ही घर में 3 विकेट से हरा दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, चौथे दिन हुए इस मैच में मणिपुर को 38 रनों की आवश्यकता थी, जो कि उसने मात्र 38.2 ओवर में ही 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया, जिसके पश्चात मणिपुर की टीम को 6 अंक और प्राप्त हुए। शिल्पकारों को किया गया सम्मानित। उद्योग विभाग के विकास भवन में आयोजित सरकारी समारोह में पूरे देश के लगभग 20 चयनित शिल्पकारों को राज्य शिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसके तहत इन सभी सम्मानित किए गए शिल्पकारों को 22,000 रुपए की राशि पुरस्कार के रूप में दी गई है। इसके अलावा मेरिट लिस्ट में आने वाले बाकी 20 शिल्पकारों को 11,000 की प्रोत्साहन राशि दी गई है। हजरत सैदाना मोहम्मद जिलानी की मजार में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। हजरत सैदाना मोहम्मद जिलानी की मजार इस्लाम धर्म के लिए श्रद्धा का केंद्र है, जो पचरुखिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हजरत सैदाना इस्लाम धर्म के संत थे। पूरे भारत से जून माह में इस्लाम के लोगों का भारी भीड़ यहाँ इकट्ठा होता है, क्योंकि इस महीने में हिज उर्स मुबारक मनाया जाता है। बिहार मंडल के 9 स्टेशन पर 100 फीट लंबा फहरेगा तिरंगा। अब रेलवे विभाग ने भारतीय ध्वज को शान से और सम्मान के साथ अपने सभी प्रमुख स्टेशनों पर फहराने का निर्णय लिया है। रेलवे विभाग का यह उद्देश्य आम नागरिकों के बीच राष्ट्र भावना को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है, जिसके तहत सबसे पहले यह राष्ट्र ध्वज A1 श्रेणी के स्टेशनों पर लगाया जाएगा, जिसकी कुल ऊंचाई 100 फीट होगी, वही लंबाई 40 फीट होगी तो चौड़ाई 30 फीट होगी। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में बायोमेट्रिक का होगा इस्तेमाल। बिहार पुलिस सिपाही के 11,880 पदों पर लिखित परीक्षा के आयोजन की तारीख की घोषणा बहुत पहले ही कर दी गई है, जिसके लिए विभाग इस परीक्षा को बिना किसी अटकलों के जल्द से जल्द करवाने की पहल कर रहा है। ज्ञात हो, कुछ दिनों पूर्व बिहार पुलिस सिपाही की इस परीक्षा के पेपर के लीक होने की खबर आई थी, जिसको ध्यान में रखते हुए केंद्रीय चयन परिषद ने बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है, जिसके तहत अब परीक्षा के दिन सुरक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान रखा जाएगा और साथ ही बायोमेट्रिक के जरिए छात्रों को हाजिरी बनवाया जाएगा।
ठंड को देखते हुए पांचवी तक के छात्रों का स्कूल किया गया बंद। ठंड को देखते हुए एक बार फिर से स्कूली छात्रों के स्कूल की छुट्टियों की अवधि को विस्तार किया गया है, जिसकी जानकारी पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने दी है। उन्होंने कहा है कि ठंड से अभी भी निजात नहीं मिल पाया है, ऐसे में कक्षा एक से लेकर पांचवी तक के छात्रों के अवकाश की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत पटना के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल 12 जनवरी तक बंद रहेंगे। दसवीं और बारहवीं में बिहार के परीक्षार्थियों की संख्या में आई कमी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के दसवीं और बारहवीं की परीक्षा में इस साल परीक्षार्थियों की संख्या कम दर्ज की गई है, जिसके तहत इस साल यानी कि साल 2020 में दसवीं में बिहार से लगभग 140,000 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जबकि बारहवीं कक्षा की बात करें तो इस साल इस परीक्षा में कम परीक्षार्थी ही शामिल हो रहे हैं। वहीं अगर हम 2019 के डाटा की तरफ देखें तो दसवीं कक्षा में 143,859 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, वहीं बारहवीं में 103,698 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। खबरों की माने तो छात्रों की संख्या में यह गिरावट इसलिए देखी जा रही है क्योंकि ज्यादातर छात्र झारखंड बोर्ड से इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। आइए जानते हैं बिहार की इस जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे सुहासिनी मुले की। सुहासिनी मुले का जन्म 20 नवंबर 1950 में बिहार की राजधानी पटना में हुआ था, जहां पर सबसे पहले उन्हें पियर साबुन के एड का मौका मिला था। एड से अपने करियर की शुरुआत करने वाली सुहासिनी को फिल्मी जगत में पैर रखने का मौका 1969 में भुवन सोम फिल्म से मिला, जिसके बाद से उन्हें गुलजार साहब की हुत तू जाने क्या बात हुई, वाह लाइफ हो तो ऐसी जैसी अन्य कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, गुलजार साहब की फिल्म में काम करने के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का भी खिताब दिया गया था। मकर संक्रांति पर राजनीतिक गलियारे में भोज की हो रही है तैयारी। मकर संक्रांति आने में भले ही अभी समय है, मगर बिहार के राजनीतिक गलियारे में मकर संक्रांति की गूंज सुनाई देने लगी है। ऐसे में अब राजद जल्द ही भोज का आयोजन करने वाला है, जहां पर राजद समेत अन्य महागठबंधन दल अपनी उपस्थिति तो दर्ज करेंगे ही, साथ ही साथ विपक्षी दलों को भी भोज में सम्मिलित होने का न्योता भेजा जाएगा। राजद का यह कदम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो यह साफ दर्शा रहा है कि इस चुनावी साल की शुरुआत विपक्ष को गले लगाकर करते हैं, क्या पता चुनाव आते आते किसी विपक्षी दल के साथ हाथ मिलाना पड़ जाए। पंचायतों में खाली पड़े पदों पर जल्द होगा उपचुनाव। बिहार में जल्द ही पंचायत स्तर पर खाली पड़े 2,303 पदों के लिए उपचुनाव का आयोजन होना है, जिसकी तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर शुरू हो चुकी हैं। इस बाबत राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को रिक्त पदों पर उपचुनाव करवाने के लिए मतदाता सूची के बंटवारे का निर्देश जारी किया है, जिसकी प्रक्रिया 10 जनवरी से शुरू हो जाएगी। वहीं मतदाता सूची का अंतिम और आखिरी प्रकाशन 7 फरवरी को किया जाएगा, जिसके पश्चात मार्च महीने तक मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अगले 3 दिनों तक ठंड से मिलेगी थोड़ी राहत। आने वाले 3 दिनों तक लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 3 दिनों में ठंड का असर थोड़ा सामान्य होगा, मगर बारिश की संभावनाएं बनी रहेगी। इतना ही नहीं, बादल छाने के कारण न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। वहीं कोहरे की बात करें तो कोहरे का प्रभाव भी अभी कम देखने को मिल रहा है, जिसके कारण ट्रेनों के परिचालन की व्यवस्था में थोड़ा सुधार देखा गया है। महागठबंधन दल के सामने जीतन राम मांझी ने खेला अपना कार्ड। इस चुनावी साल में हर कोई अपना दांवपेच चलाने की जुगत में लगा हुआ है। इसी क्रम में हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए महागठबंधन के सामने कुछ शर्तें रखी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो DMA फॉर्मूला अपनाना चाहेंगे, जिसके तहत बिहार में एक मुख्यमंत्री और 2 उपमुख्यमंत्री होंगे जो कि दलित मुस्लिम और अति पिछड़ा समुदाय से होंगे। पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर से पूछा सवाल। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने जदयू के वर्तमान अध्यक्ष प्रशांत किशोर पर तंज कसते हुए सवाल पूछा है और कहा है कि क्या प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू के साथ आम आदमी पार्टी की तरह महागठबंधन की भी मदद करेंगे। दरअसल आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रशांत किशोर इस समय में जदयू के साथ काम कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ उनकी कंपनी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का साथ दे रही है, यानी कि एक ही संगठन एक ही चुनावी साल में 2 अलग-अलग पार्टियों का समर्थन कर रही है। तो इसी के तर्ज पर पप्पू यादव ने भी एक ही समय में 2 अलग-अलग पार्टियों में उनके योगदान की बात पूछी है। भारत बंद के दौरान सड़कों पर उतरे विभिन्न ट्रेड यूनियन के नेता। बिहार में भारत बंद का असर साफ साफ देखने को मिल रहा था, जहां सुबह से ही चाक चौराहे पर दुकानें बंद थी, तो वहीं अलग अलग ट्रेड यूनियन के नेतागण सड़क पर उतरकर अपनी आवाज उठा रहे थे। इतना ही नहीं, भारत बंद के दौरान सभी बैंकों की सेवाएं भी पूरे दिन बंद रही थी, जिसका असर साफ तौर पर पूरे दिन देखने को मिल रहा था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, विभिन्न ट्रेड यूनियन ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए भारत बंद का आह्वान किया था।
सीएए के मुद्दे पर भाजपा 14 तारीख तक जारी रखेगी जागरूकता अभियान। सीएए को लेकर समूचे देश में हो रहे विरोध को देखते हुए अब भाजपा को जनता की मूड का अंदाजा लग गया है और यह अंदाजा उनके लिए ही इस चुनावी साल में भारी भी पड़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने बीते 7 जनवरी से घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का सिलसिला शुरू किया था, जो कि अब खबरों की माने तो 14 जनवरी तक जारी रहने वाला है। इतना ही नहीं, सीएए से लोगों को अवगत करवाने के लिए भाजपा के दो बड़े नेता योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह जल्द ही बिहार दौरे पर भी आने वाले हैं, जिसकी घोषणा आधिकारिक तौर पर की जा चुकी है। कंगना रनौत ने की दीपिका पादुकोण की तारीफ। अक्सर अपने बयानों के लिए चर्चा में रहने वाली कंगना रनौत अक्सर मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींचती रहती हैं। कंगना और उनकी बहन रंगोली की आए दिन सेलिब्रिटीज से नोकझोंक हो जाती है, मगर इस बार इसके उलट हुआ है। कंगना और रंगोली ने दीपिका पादुकोण की आने वाली फिल्म छपाक के लिए उनका धन्यवाद किया, जिसकी वीडियो उनकी बहन रंगोली ने अपने सोशल मीडिया साइट से शेयर की है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। इस कड़ाके की ठंड से लोगों को राहत मिलने की अभी कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे में आइए देखते हैं सराफा बाजार लोगों को राहत देने का मन बना भी रही है या फिर नहीं। सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 8 जनवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 40,109 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 42,107 रुपए था। यानी कि सोना पिछले दिन के मुकाबले कल ज्यादा गर्म रहा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 52,600 रुपए था, यानी कि साफ तौर पर चांदी के भाव में इजाफा हुआ है। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 80.36 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 73.50 रुपए प्रति लीटर था। आइए बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर। बिहार में जारी ठंड के इस असर पर आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, अरवल, सारण, दरभंगा, गया, शेखपुरा, सीतामढ़ी, कटिहार, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा में हल्की धूप के साथ ही मौसम में ठंड का असर बढ़ेगा, तो कहीं कहीं बादलों के कारण बारिश होने की भी संभावनाएं हैं। तो वहीं औरंगाबाद, भोजपुर, छपरा, बक्सर, ईस्ट चंपारण, जमुई, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, जहानाबाद, शिवहर में मौसम में ठंड का असर बढ़ेगा, मगर कई जगहों पर बादल भी छाएंगे, तो वहीं कोहरे का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। कोहली ने एक ही मैच में बनाया 2 रिकॉर्ड। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने इंदौर में खेले गए दूसरे T20 में अपनी 30 रनों की पारी के दौरान ही 2 रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। पहले तो एक रन बनाते ही वो रोहित शर्मा को पीछे छोड़ T20 सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। मैच से पहले रोहित और कोहली 2,633 रन बना के बराबरी पर थे, परंतु अब कोहली 2,663 रनों के साथ T20 में टॉप पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा कोहली एक कप्तान के तौर पर T20 में सबसे तेज 1,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के कप्तान फाफ डुप्लेसिस को पीछे छोड़ते हुए रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बिहार सरकार के मंत्रियों ने की जल जीवन हरियाली यात्रा की सराहना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी प्रतिबद्धता के साथ जल जीवन हरियाली यात्रा को सफल बनाने की जुगत में लगे हुए हैं और पिछले कई महीनों से लगातार अलग अलग जिलों की यात्रा कर रहे हैं, जिस पर अब बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री सह भागलपुर जिला के प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने शाहकुंड प्रखंड में जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह के आवास पर बड़ी टिप्पणी की है और कहा है कि जल जीवन हरियाली यात्रा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसको अब पूरे देश में अपनाया जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, भारत बंद और बैंकों की सेवाएं बंद रहने से आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अपने जवाब हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। अब तक के लिए इतना ही। बिहार जगत से जुड़ी तमाम खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें तथा बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।